पत्थल गांव के डूमर बहार पंचायत में बन रहे नवीन धान खरीदी केंद्र के गोदाम निर्माण कार्य में घटिया निर्माण सामग्री लगाए जाने से आक्रोशित ग्रामीणों ने गोदाम निर्माण का कार्य रुकवा दिया। निर्माण स्थल पर प्रदर्शन करते हुए ग्रामीणों ने कार्य की गुणवत्ता में सुधार नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। कृषि उपज मंडी द्वारा ठेकेदार के माध्यम से गोदाम का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। यहाँ कॉलम की ढलाई में लगाई जा रही गिट्टी की क्वालिटी बेहद ही घटिया है। उपयोग में लाई जा रही 20 mm की गिट्टी से सना हुआ गिट्टी बिल्कुल भी मरा हुआ सा प्रतीत हो रहा है, हाथों से बिस्किट की तरह टूट रहा है। साथ ही इस गिट्टी को हाथों से मसला जा सकता है और चूरा किया जा सकता है। यही हाल कॉलम ढलाई से पूर्व नीचे बेस में उपयोग की गई गिट्टी का भी है। गिट्टी की गुणवत्ता बेहद ही घटिया है। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसी गिट्टी का उपयोग कोई भवन निर्माण में तो क्या सड़क के गड्ढे भरने में भी नहीं करेगा। ग्रामीणों का कहना है कि इस गिट्टी को कोई उन्हें निशुल्क भी देगा तो वो गिट्टी को नहीं लेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बगैर इंजीनियर की देखरेख में यहाँ पर काम चल रहा है। गिट्टी की गुणवत्ता क्या कैसी है? यहाँ डूमर बहार धान खरीदी केंद्र में गोदाम का निर्माण हो रहा है और गुणवत्ता विहीन गिट्टी डलाया जा रहा है और पूरा डी मॉडल का काम हो रहा है। ना यहाँ कोई इंजीनियर का पता है, ना कोई ठेकेदार का पता है, केवल लेबर लोग अपने मनमानी ढंग से काम कर रहे हैं। गिट्टी की क्वालिटी क्या है जो बेस किया गया है? बड़ा बोल्डर है और ये छोटे बोल्डर। गिट्टी पूरा गुणवत्ता विहीन है। हाथ से कैसे? पूरा हाथ से टूट जा रहा है गिट्टी। पूरा मिट्टी बालू मिक्स है, गिट्टी में कोई भी गुणवत्ता नहीं है। वहाँ पे जो है सोसाइटी गोदाम का निर्माण हो रहा है और जो गिट्टी की क्वालिटी है एकदम ही घटिया है, जिसको लोग मतलब कहना चाहिए कि उसको आपको फ्री में भी अगर बोलेगा कोई तो सजेशन नहीं करेगा कितना घटिया गिट्टी डालकर निर्माण किया जा रहा है और पब्लिक के आंखों में धूल झोंका जा रहा है सरासर ठेकेदार के द्वारा। एकदम घटिया निर्माण किया जा रहा है और वहाँ ना तो इंजीनियर साहब लेआउट करने के बाद से गायब है, पता ही नहीं है वहाँ पे। वो लेबर लोग के भरोसे काम चल रहा है, कुल मिला के पूरा भ्रष्टाचार है। इस काम को रोका जाए और सही निर्माण किया जाए। मेरे हिसाब से तो उसको तोड़वा करके फिर से बनवाया जाना चाहिए। सुनने में माल घटिया आ रहा है, मैं जाके समझाऊंगी। किसको समझाएंगे? ठेकेदार को। अभी आप देखने गए हैं कि नहीं देखने गए? नहीं गई हूँ मैं। कब जाएंगे देखने? कल उनसे जाऊंगी सुबह टाइम। क्या करवाएंगे आगे? बोलना तो पड़ेगा। वो लोग भी देखने वाले बोल रहे हैं कि घटिया सामान आ रहा है, इसको चेंज करवाइए। चेंज करवाएंगे आप? अब बोल के देखूंगी। क्या नाम है आपका? शीला देवी भगत। ठीक। यहाँ पर जो काम चल रहा है घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, इंजीनियर साहब के कहने पर किया गया है क्या? हाँ। अच्छा, कौन है इंजीनियर यहाँ के? नाम तो नहीं जान रहा हूँ। अच्छा, इंजीनियर साहब कभी आए हैं क्या? हाँ आए थे ना। कितने बार आए? लाउड देने के लिए आए थे बस। उसके बाद क्या बोले थे? उसके बाद में बोले थे जैसे जैसे बताए वैसे कर रहे हैं। आप क्या है? मैं तो मिस्त्री हूँ। कितने दिन से काम चल रहा है यहाँ पे? यहाँ अभी हम लोग लगभग 3 तारीख से चालू किए हैं। तो ये घटिया सामग्री से जो इस्तेमाल किया जा रहा है इसमें, तो उनके आदेश पर कट रहे हैं आप लोग? आज आ रहा है गिट्टी से, फोन किया था हम ही लोग। अभी तो आपका ले आउट है, सो हो चुका है। किसान लोग आए थे बोले कि गिट्टी को मना करने के लिए, तो फिर हम लोग अपने सेठ से बोले कि गिट्टी भिजवाए, बोले तो बोले कि आ रहा है। कौन है आपके सेठ? नवीन। कहाँ के हैं वो? सीतापुर। क्या नाम है आपका? राम कुमार।